सो नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है ना, तो ये भी एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन ही है ना, या हम लोग इसको चलिए एज अ क्वेश्चन भी सॉल्व करें तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन के बारे में एक बार हाँ पढ़ लेते हैं जो भी दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है ना, ऐसा ये जो भी सिग्मा दिया है विच इज क्यू पर यूनिट व्हाट एरिया, और ये यूनिफॉर्म मतलब कॉन्स्टेंट। चलिए, ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, ये बिल्कुल इस पॉइंट पी की बात कर रहे हैं कि यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बिकॉज ऑफ दिस डिस्क। हाँ, तो डिस्क का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डायरेक्टली तो डिस्क का याद नहीं या बोल लो कि वही निकालना ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले इसके एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे। क्या एलिमेंट बनाना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हाँ ये एक इस तरीके से कि r डिस्टेंस r रेडियस का हाँ और dr थिकनेस का हम लोगों ने एक रिंग कंसीडर करा, राइट हाँ r पर जाकर dr का, तो जो ये हमारे पास जो ये रिंग बन रहा है ये जो रिंग बन रहा है हम लोग इसके एक्सिस पर तो लिखा है जस्ट पहले वही डेरिवेशन था, तो बेसिकली अगर आप लिखोगे तो इसकी वजह से यहां पर जो हमारा आएगा डी ई और किसके कॉरस्पॉन्डिंग रिंग हम लोगों ने एलिमेंट लिखा है नाउ, और जो आ रहा है आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए आपका काम हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि अगर आप बात करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर या एक्सिस जो बोल रहे हैं तो वो डी ई लिखिए हाँ और किसका रिंग का लिखिए, बिल्कुल अगर आप बात कर रहे हो कि नहीं ये एक्सिस है तो बिल्कुल आप ये भी आपका एक्सिस ही है ना, हम लोग एक्सिस ही लिखा है, तो अगर आप रिंग के एक्सिस पर जाएंगे तो रिंग के एक्सिस पे हम लोग कैसे लिखते हैं, तो दिस इंप्लाइज अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें हाँ कि रिंग का एक्सिस तो वो आता है कि हाँ जी क्यू एक्स वट एवर दिस डिस्टेंस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। देखिए ध्यान से ये एक रिजल्ट है जो हम लोग अभी क्या बोलोगे यूज कर रहे हैं है ना, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग है ना, जिसका चार्ज आपको जो भी रिंग का चार्ज हम लोग डी क्यू लिख रहे हैं हाँ और उससे एक्सिस पर डिस्टेंस एक्स दिया ही है और उस रिंग का रेडियस आपका आर है नाउ, और इसी चीज को आपको इंटीग्रेट करना है, और ध्यान से ये रिंग की वजह से भी अलोंग द एक्सिस ही आता है तो इसका भी पूरा का पूरा ऐड होगा और अलोंग द एक्सिस ही आएगा, सो बेसिकली हमें ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक चीज और अगर बात करी जाए कि क्या डी क्यू हाँ तो मैं लिखता हूं डी क्यू के लिए क्या करेंगे, चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं क्या कि ऐसे अगर बात करिएगा तो इसको थोड़ा समझते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर ऐसा लिख सकते हो कि एरिया जो भी है ए हैज चार्ज वट एवर क्यू लिख रहे हैं तो यूनिट एरिया का जो चार्ज है उसी को हम लोग सिग्मा क्यू बाई ए बोलते हैं और जो आपका डी ए एरिया है वट एवर दिस एरिया के चार्ज को ही हम लोग ये बोल रहे हैं, ध्यान से हाँ बिल्कुल यही करना है, तो बाय दिस वे डी क्यू लिखोगे तो वो आ जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। नाउ एरिया ऑफ रिंग बोल रहा है तो एरिया ऑफ रिंग आप ऐसा लिखिए हाँ एरिया ऑफ रिंग अगर हम लोग बात करें तो वो आ जाएगा उसका लेंथ 2πr और उसकी थिकनेस कितना dr, ध्यान दीजिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं जो ये रिंग बनाया है उसकी एरिया,
तो वैसे रिंग का एरिया थोड़ा इलॉजिकल बात है, बट जो करा है काम उसको ध्यान देते हैं। इसकी पूरी सरकमफेरेंस कितना, 2πr, हाँ, एंड उसकी जो थिकनेस हमने माना है बहुत ही कम होता है, ठीक है ना, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दो और ये आपको एरिया उसका बता देगा। एंड बाय दिस वे अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी आपका डिस्क का आ रहा है, तो वो आपका DE और ये रिंग वाले को इंटीग्रेट करना है और ये आ रहा है KdQ, हाँ, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, हाँ, इसको इंटीग्रेट करना है। सारे टर्म लिखते हैं, हाँ, सारे टर्म अगर हम लोग लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करी जाए के DQ को सिग्मा इंटू 2πr इंटू dr इंटू एक्स बाई, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। हाँ, तो देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ा सा इंटीग्रेशन हमें ध्यान से करना पड़ेगा। 1/4πε0 एप्सिलॉन नॉट, इसको देखिए, हालांकि अभी ये ओपन करना ये सब कोई ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है। फिर सिग्मा और ये 2π, हाँ, एक्स को भी आप बाहर निकाल लो। तो देखिए अंदर में बच रहा है आर डी आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये बच रहा है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला टर्म बाद में भी कर सकते थे, मेनली तो हमें इंटीग्रेशन पर अभी ध्यान देना है। एनीवे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जा रहा है, सिग्मा ऊपर बचेगा और 2π से ये कैंसिल हो गया तो 2 ही बचेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स ये बचा है। इंटीग्रेशन हमें इसका करना है और कहां से कहां तक, तो देखिए जो वैरी कर रहा है वो तो आर कर रहा है, हाँ, और ये आपका 0 से लेकर कहां, कैपिटल आर, बिल्कुल हम लोग जो डिस्क लेंगे एलिमेंट वो बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम यहां से लेकर, हाँ, और यहां तक, हाँ, तो ये बिल्कुल सेंटर से, तो 0 से लेकर और आर तक, तो ऐसा कर दीजिए आपका काम हो गया। हाँ, बात आता है इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपल वे में तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, बट इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, आप इस चीज़ को ये कर लीजिए, क्या बोला जा रहा है, टी स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज सब्स्टिट्यूशन, हाँ जी, दिस इज सब्स्टिट्यूशन, हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन, और दिस इम्प्लाइज कि अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये 2t dt by dr equals to x 0 और ये फिर आपका 2r, हाँ, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू r, ध्यान से विथ रेस्पेक्ट टू r, r ही वेरिएबल है। तो देखिए बेसिकली क्या आ रहा है कि यहाँ से हमारा इस तरीके से आ जा रहा है, क्या TdT equals to RdR, हाँ, सिंप्लीफाई करके देखो। एक्चुअली ऐसा करने से ना बहुत काम हो गया है, क्या अगर आप ऊपर को लिखोगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको TdT और नीचे वाले को इसको हमने, हाँ, इतने को टी स्क्वायर माना है तो ये नीचे बच जाएगा T³, हाँ जी। नाउ ध्यान से ये लिमिट जो है वो आर की है, तो जब हम इंटीग्रेट करके आर में रख के लिमिट रख लेंगे तो बेसिकली ये टी स्क्वायर बचा है। नाउ अगर आप लिखेंगे तो सिग्मा एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट और ये dt बाई टी स्क्वायर का -1/t, हाँ, और ये आ रहा है। ध्यान से अभी भी आप इसको मत यूज करिए, क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो आएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट एक्स, हाँ, -1/t आ रहा है जो कि t हम लोगों ने माना था, क्या सिग्मा, हाँ, एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ध्यान दीजिए -1 ये एक्स स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर इतना लिखेंगे, और यहां पर r जो है वो वैरी कर रहा है, ये r की वैल्यू जो है वो है ना, तो हम लोगों ने सिंस माना था क्या
कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ जी, तो यहां से टी की वैल्यू को ये रख दिया। अब आप इसको रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। हाँ, एंड दिस इंप्लाइज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट एक्स। हाँ, एक बार आप आर रख दो तो ये आ गया माइनस में एक्स स्क्वायर एंड प्लस आर स्क्वायर। सही बात है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ गया वन बाई एक्स स्क्वायर और प्लस जीरो का स्क्वायर। हाँ, एनीवे तो यहां से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये तो एक्स ही बचेगा वन बाई एक्स, तो ये वन बाई एक्स को पहले लिखते हैं और माइनस वाले को हम लोग बाद में लिख लेते हैं। यस, तो इस तरीके से ये आ गया। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। देखिए सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो आप ध्यान रखेंगे ये वन माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, राइट? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। हाँ, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, तो ये हम लोग डेरिवेशन ने जब जब पूछे तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें, है ना। नाउ अगर आप इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस पे जाएं तो हम लोगों को बोला गया है कि थोड़ा ध्यान दे के इसके बारे में आप बताइए क्या ये। एक तो बोला जा रहा है कि अगर एक्स बहुत ही छोटा हो कंपेयर टू रेडियस, हाँ, और एक्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मतलब एक तो बोल रहा है कि नियर द सेंटर बताइए और एक आप बहुत, हाँ क्या बोलोगे, लार्ज डिस्टेंस। हाँ, तो इन केसेस को हम अगर डिस्कस करें, हाँ, तो आते हैं। देखिए अगर यहाँ पर लिखते हैं, चलिए इस एनालिसिस को करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो हमारा आ चुका है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, ये चीज है। तो अगर पहला केस अगर हम लोग लिखें, हाँ, कि एक्स बहुत छोटा है कंपेयर टू आर, दैट इज की नियर द सेंटर। हाँ, तो नियर द सेंटर अगर आप बात करोगे तो इस चीज को हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे, ये जनरेट करते हैं जो क्वांटिटी और उसी को वहां पर हम कोशिश करेंगे कि जनरेट करें एंड वन के कंपैरिजन में हम उनको नेगलेक्ट भी करें। तो हमें एक्स बाई आर, तो आप आर कॉमन ले लीजिए, आर को हम कॉमन लेंगे तो ये बच जाएंगे आपका x बाई आर का होल स्क्वायर प्लस में वन और टू द पावर वन बाई टू। दिस इज द यस। नाउ अगर इसको हम लोग लिखें तो देखिए x बाई आर वन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो इसी को हम लोग यहां पर कर देंगे जीरो। हाँ, ये अंडर दिस, तो ये आ गया। तो यहां से अगर करोगे तो ये आपको कितना आ रहा है, e की वैल्यू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट और वन माइनस, ये तो जीरो हो गया तो ये वन ही बचेगा, तो एक्स बाई आर और मिला जुला के तो ये तो वन ही बच रहा है। हाँ, कुछ भी कर लीजिए, फिर से देखना ये भी एक्स बाई आर आ रहा है तो ये भी तो वन के कंपेरिजन में नेग्लेजेबल है। हाँ, तो अल्टीमेटली ये वन बच गया और ये आ रहा है e की वैल्यू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट और ये आ रहा है आपका कांस्टेंट बोल सकते हो। हाँ, या हम लोग इसको, हाँ याद है तो आप लिख सकते हैं एज अ लार्ज सीट। हाँ जी, लार्ज सीट, तो इनफाइनाइटली लार्ज सीट। हाँ, देखिए बिल्कुल ये सही बात है, अगर हम लोग थ्योरेटिकली इस पर जाए ना तो ध्यान से, लार्ज होना या नहीं होता है कि छोटा होना है, ये सब बात तो रिलेटिव बात है। बोला ये जा रहा है कि अगर हम लोग डिस्क का जो रेडियस है, सपोज मान लो ये मेरा हाथ ही है ऐसा डिस्क, और एक बहुत ही पिन पॉइंट नहीं होता निडल का, एकदम उतने बारीक डिस्टेंस पर लिखेंगे, हाँ एक्सिस पर
सेंटर के बिल्कुल ही पास। मतलब क्या है कि रेडियस मान लो 10 सेंटीमीटर भी है, 10 सेंटीमीटर, और आपका जो भी है डिस्टेंस अगर एमएम में हो जाए, हाँ, तो आप ध्यान देंगे कि सेंटीमीटर एमएम में कम से कम 10 गुना 100 गुना का फर्क आ जाएगा। एक अगर एमएम हो गया तो देखिए 100 गुना हो जाए, मतलब मैथमेटिकली हम लोग लेते हैं कि 10 टाइम्स ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा मान सकते हैं, राइट। सो अगर 100 टाइम्स ज्यादा हो जाए रेडियस तो वो सब वही काम करेगा, वो लोकेशन का बिहेवियर ऐसे ही रहेगा कि बहुत बड़ा लार्ज सीट के सामने, या आप बोल लीजिए कि सीट तो छोटा ही है लेकिन उसके बहुत पास में, मतलब ये बिहेवियर इसका इसी तरीके का आता है, राइट। सो एज अ लार्ज सीट बिहेव करेगा, या आप बोल लीजिए कि वो यूनिफॉर्म होता है। हाँ, अगर डायरेक्शन वे में लिखते हैं तो हम लोग सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप भी लिखते हैं, वेयर एन इज एरिया वेक्टर, एन जो है इज एरिया वेक्टर, है ना, हम लोग एक्सिस, हाँ, और अलोंग द एक्सिस भी लिख लेते हैं। तो देखिए अगर लार्ज सीट का बात करोगे तो हमेशा यही हो जाता है चारों तरफ, और अगर डिस्क है तो उसका एक ये स्पेशल केस है, नियर द सेंटर हम जाएंगे तब जाके इतना आता है, राइट। सो दिस इज द केस। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग लिखें कि ऐसा है, एक्स बहुत बड़ा हो जाए आर, मतलब लार्ज डिस्टेंस, एट अ लार्ज डिस्टेंस, हाँ, तो लार्ज डिस्टेंस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो अगेन जब भी ऐसा टर्म होता है तो आप जो क्वांटिटी वन से छोटी आ रही है बहुत, आप उसी को क्रिएट करने की कोशिश करिए हमेशा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ, वन माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जो भी है, हाँ, 1/2। सो हमें r बाई एक्स, तो r बाई एक्स करने के लिए करना है ये चाहिए, हाँ, कि x स्क्वायर को कॉमन लेना पड़ेगा, ले लेते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ, वन माइनस इसको अगर हम लोग कॉमन ले, है ना, तो ये आ गया। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो हमें r कॉमन लेना चाहिए, तो r को कॉमन ले लेते हैं, r को कॉमन लेंगे तो सॉरी x को कॉमन, तो x कॉमन ले लेते हैं और ये आ गया r स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2। हाँ, ये मैथमेटिकल आप सिंप्लीफिकेशन है, हाँ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, देखिए इसको थोड़ा एक्स एक्स कैंसिल ही हो रहा है, तो मैं इसके पावर को अगर लिखूंगा तो ऊपर में 1 प्लस आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, इसको हम लोग 1 माइनस 1/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ जी, देखिए जिनको थोड़ी दिक्कत हो रही है या आइडिया नहीं है तो आप इसको लिख लीजिएगा, क्या होता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को हम लोग 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं अगर एक्स 1 से बहुत छोटा है। हाँ, तो बिल्कुल जो ये चीज़ है, जो भी पावर होता है प्लस माइनस कुछ भी रहे आप उसी से बस मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑफकोर्स ये क्वांटिटी तो हमने बोला है ना कि ये 1 से छोटा है, तो यही छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और छोटा होता है, मतलब ये चीज़ हमारा वैलिड है। हाँ बिल्कुल, सो ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ, और ये प्लस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है आप लिखेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ रहा है 1/2, हाँ, आर स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। देखिए ये थोड़ा फॉर्मेट सही नहीं है, या बोलोगे कि जम नहीं रहा है, क्या करते हैं थोड़ा इसको सही कर देते हैं, क्या सिग्मा पाई आर स्क्वायर ऊपर लिख लीजिए बाई पाई नीचे भी लिख लीजिए, दो दो चार और पाई भी हो गया, अब साइलेंट नॉट, हाँ, और एक्स स्क्वायर। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये आ गया क्यू, ये आ गया के, और ये आ गया एक्स स्क्वायर, और ये बहुत फेमस रिजल्ट होता है। हाँ जी, एज अ पॉइंट चार्ज, देखिए सिग्मा, हाँ,
और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बात तो यही है ना क्या, कि जो हम लोग सिग्मा लिखते हैं वो चार्ज अपॉन एरिया ही तो होता है। हाँ तो बिल्कुल टोटल चार्ज को आप लिख दीजिए। मतलब देखो बात बिल्कुल सीधा है कि बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर अगर डिस्क को भी देखोगे तो वो पॉइंट जैसा ही बिहेव करेगा। हाँ ये अभी अगर देख रहे हैं तो इतना बड़ा है, नहीं होता कि किलोमीटर दूर से देखिए तो क्या होगा, पूरा आदमी ही पॉइंट दिखेगा, तो ये भी पॉइंट दिखेगा। तो ऐसा चीज है, इसका बिहेवियर एट अ लार्ज डिस्टेंस एज अ पॉइंट चार्ज लिख सकते हैं, एज अ बिल्कुल पॉइंट चार्ज। हाँ तो हम लोग ये कर सकते हैं। नाउ कुछ इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड क्या बोल सकते हो, वेरिएशन या केसेस को और देखते हैं। चलिए एज अ एग्जाम्पल ही लिखते हैं कि अपने को इस तरीके से दिया गया है। पॉइंट पी है और ये इस तरीके का डिस्क है। ये जो आपको दे रखा है ये रेडियस से ए है, तो ये वाला रेडियस आपका बड़ा वाला बी है, मतलब बीच में आपका कट है। हाँ सिग्मा दे रखा है। देन अगेन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड ई एट या ऑन द एक्सिस एट पी, बिल्कुल कोई बात नहीं, एक्सिस है ना। हाँ एट अ डिस्टेंस एक्स, एट अ डिस्टेंस जो भी लिख रखा है एक्स है ना। तो ये जो है हम लोगों का सिंपल सिंपल, ये बताइए कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हाँ अगर हम लोग सॉल्यूशन पर आए तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हाँ जी देखिए, अगर मेरे से आप पूछेंगे कि इसका लिखें, तो एक बात तो यही है कि जो हम लोगों ने काम करा था क्या, कि रिंग बनाया था। हाँ और रिंग बना के और आप ये काम कर सकते हैं। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि ई जो पी है वो डी ई रिंग बनाइए और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। पहले ये जीरो से होता था, अभी ये इतना सीधा सीधा। मीन्स क्या कि अगर आप इंटीग्रेशन वाले टर्म पे जाएंगे तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट और जो वो टर्म आया था वो माइनस एक्स तो इधर भी था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ जी और ये ए से बी, मैं डायरेक्टली यहीं से लिख रहा हूँ एज इन की इंटीग्रेशन आप जस्ट पहले देख सकते हैं। हाँ तो आप वैसे ये इंटीग्रेशन में आपको दिखाने के लिए ही बोल रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दूसरा तरीका यूज करेंगे और उससे और फास्ट हो जाता है। बट एनीवे दिस इज द वे, आप ए से बी तक करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा और जो आंसर आ रहा है वो ऐसे ई पी जो आ रहा है वो आपका सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। हाँ एक्स को आप बाहर या अंदर जो भी रखें, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए अपर लिमिट को रखेंगे तो माइनस आएगा, लोअर लिमिट को प्लस। तो आपको मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूं कि ये ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना बी स्क्वायर। हाँ जी वही ए जीरो था तो ये वन हो जा रहा था ना। तो ये तो रहा कि ये सब रिंग का लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ये सब तो सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके और तब आया था ना। हाँ आप एक बार देख सकते हैं रिजल्ट की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका। हाँ यस, तो ये टीडीटी जो हम लोगों ने इंटीग्रेट करा था, इंटीग्रेट करने के बाद आपको ये रिजल्ट, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्क का। तो जब आप इस पर लिमिट लगाएंगे तो यही लिमिट हमारा ये चेंज हो रहा है। हाँ ये तो ये लिमिट हम लोग ए से कहां बी तक। हाँ नेक्स्ट राइट, तो ये आ गया। देखिए मैं बोल रहा था कि इसको ना इस तरीके से ना करके हम लोग कुछ और तरीके से कर सकते हैं, क्या उसको देखिए, या मैं यही लिख देता हूं, कोई ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। देखिए आप क्या करो ना,
कि इसमें ऐसा काम करिए कि एक यहां पर इंसर्ट कर दीजिए सिग्मा। हाँ, तो ऐसा करने से आपको समझ में आ रहा है कि अपने को एक पूरा पूरा जो है वो डिस्क मिल जाएगा। हाँ, तो अगर आप लिखेंगे तो एक कंप्लीट डिस्क अपने को मिल रहा है। और चलिए मैं लिख ले रहा हूं कि ये मेरे को मिल गया कंप्लीट, हाँ जी, जिसका कि सिग्मा है। तो इसके यहाँ पर हम लोग जो भी पॉइंट P होता है, X होता है और इसका रेडियस होता है, तो हम लोग भी लिख सकते हैं, हो गया ना। तो ये तो आपने एक्स्ट्रा डाल दिया, आप ऐसा करो कि इसमें से इतना ही निकाल दीजिए। हाँ, तो ऐड वाले को प्लस लिखेंगे तो जो हम लोगों ने हटाया है उसको आप ये कर लीजिए, मतलब इसको हटाने का मतलब माइनस सिग्मा। हाँ, देखिए इस जगह पर प्लस और इस जगह पे माइनस, मतलब कुछ नहीं। यहां पर क्या हो गया कि एक आपको बी रेडियस का कंप्लीट मिल गया और एक माइनस के साथ आपको मिल गया है, और वो कितना ए रेडियस का, समझ रहे हैं ना। अगर मैं इसको वन मानता हूं और इसको मैं टू मानता हूं तो मेरे को ईपी जो लिखना होगा वो वन और टू दोनों की वजह से। हाँ, और दोनों के दोनों कंप्लीट हैं, तो कंप्लीट वाले का डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, एक प्लस लिखिए और एक क्या माइनस। तो ये जो है आपको, हाँ, ज्यादा अभी मैं बोलूंगा कि ये आपको यूज करना चाहिए और इससे आसानी से आ भी जाएगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, ये चीज देखिए, अगर आप लिखोगे तो ई पी जो आएगा वो ई वन और प्लस ई टू ऐसे फैक्टरली। हाँ, अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो एक इसकी वजह से आएगा और एक आ रहा है माइनस सिग्मा, बिल्कुल ये आ जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, हाँ, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। और ध्यान से इसका जो है रेडियस बी है, हाँ जी, इसका रेडियस बी है, इसका रेडियस ए है। हाँ, तो ये आपका फिर से माइनस में सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इसका, और वन माइनस वन बाई इसका जो रेडियस है वो है आपका कितना ए स्क्वायर। हाँ, तो हम लोग अगर इस तरीके से यूज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन है बिल्कुल। और देखोगे तो आपका ये दोनों टर्म जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, और ये आपका माइनस से प्लस हो जाएगा और ये माइनस, मतलब सॉरी एक्स मिसिंग है, यहां पर भी एक्स आएगा और यहां पर भी एक्स आएगा, है ना, एक्स अपन होता है। तो एक्स तो आप बाहर निकाल लो या इतना ही लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। हाँ, इस तरीके से, तो इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा या बोल लीजिए कि थोड़ा सिंपल रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि आपको इसका रिजल्ट जो है याद होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम लोग अगर दो चार पांच बार यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो सब ऑटोमेटिकली याद होता है, है ना। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कट, कितना का कट है, ए का, है ना। और जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पर आपका जो भी सिग्मा दे रखा है वो हम लोगों ने लिख रखा है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा लार्ज सीट। तो लार्ज सीट का भी हम लोग बात करते हैं।